Good afternoon, parents and my dear children. How are you all? I hope you all are fine. Children, have you said your prayers? It is very must that you say your prayers every day before your studies. Okay? Make it a regular habit to say your prayers and also your national anthem every day. Right? Yes. So, it's time for the video now. Teacher is coming. This teacher is coming. Loving and Miss is coming, right? Yes. So, today I will be teaching you a new topic in English. Okay? Yes. So, have you completed your last homework? What was the last homework that I have given you? Why and Z. Right? Why and Z. So, we have completed with capital alphabets A to Z. Okay? So, now it is your turn to practice at home every day. Okay, children? Yes, you have to practice at home every day. Alright? Yes. So today, I have three more activities to be done. Three activities are there. So I'll complete it today. Okay? The rest I'll complete next lecture. Okay, children? So kindly come and open your book. Today, no notebook. Okay? Today, no notebook. Only book number 6. Come on, all of you. I want all of you to open your book number 6. Come on, open your book number 6 fast. Book number 6. Okay, book number 6. Today we are going to do activity book number in book number 6, page number 12. I want to do this activity. Page number 12. Okay, page number 12. जिसके पास बुक नहीं है ओके जिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बुक नंबर स्कूल का बुक नहीं है आपको ये देख के वीडियो में देख के आपको करना है ओके यस तो आपको एक्टिविटी भेजना है और जिनके पास बुक है वो इसी एक्टिविटी में करिए और भेजिए ओके यस सो कम ऑन आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर बुक नंबर 6 टू पेज नंबर 12 Book number 6, page number 12. Okay? Yes. Come on. Take your pencil in the hand, your eraser. Today we are not going to do anything on the board. Aaj hum board pe kuch nahi karenge. Okay? Aaj ka date likhenge hum. Kya likhenge aap? Aaj ka date kya hai, bachcho? Kya hai date aaj ka? To aaj ka date kya hai, bachcho? इसका डेट क्या है 24th मार्च इसका डेट क्या है 24th मार्च एंड टुडे इंग्लिश टीचर हैज ब्रॉट यू एक्टिविटी पेज नंबर 12 13 14 बुक नंबर 6 बुक नंबर 6 ओके बुक नंबर 6 राइट यस सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी आपको ये एक्टिविटी आज करना है मेरे साथ ओके चलो आज हम यहाँ पे A to Z पूरी अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पे A to Z पूरी अल्फ़ाबेट्स है हमको डॉट्स को जॉइन करने हैं हमको डॉट्स को जॉइन करने हैं तो उसके पहले हम ए बी सी डी बोलेंगे बच्चों ए बी सी डी चलो बोलिए वैसा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z तो हमारा A to Z हो गया तो अब हम डॉट्स को जॉइन करते हैं कहाँ है बच्चों A कैपिटल A आपको ढूंढने का है वेयर इट इज कैपिटल A देखो कैपिटल ए किधर है ये क्या है ये स्नेल है ये क्या है स्नेल है स्नेल जो एक डाली के ऊपर बैठी है स्नेल है स्नेल ओके तो अभी इधर हमारा कैपिटल ए ए है कैपिटल ए कैपिटल ए टू कैपिटल बी राइट बी टू सी C to D ऐसा हम join करेंगे ऐसा हम join करेंगे फिर D to E E to F
F to G, G to H, ऐसे H to I, I to J, K, J to K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. तो ये हमारा स्नेल हो गया, ये हमारा स्नेल हो गया। ये जो आउट का कवरिंग है उसका बॉडी है, पीछे पीछे साइड का है, ओके। तो उसका स्नेल, स्नेल क्या करता है पता है, अगर कोई उसको टच किया, कोई यहाँ पे उसको टच किया तो वो अपना बॉडी अंदर लेके जाता है, ये कवच के अंदर, कवच के अंदर लेके जाता है बॉडी उसका। तो ये उसका पिछली साइड है, ओके। तो ये हमारा ए टू जेड हमने डॉट्स ज्वाइन किया, आपको इसको कलर पेंसिल से ज्वाइन करना है, ओके। यू हैव टू ज्वाइन द डॉट्स विद अ कलर पेंसिल, और आपको ये पिक्चर भी कलर करना है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड एंड कलर द पिक्चर, आपको पिक्चर भी कलर करना है, ओके। आपको पिक्चर भी कलर करना है। तो ये हमारा स्नेल हो गया, स्नेल का पिक्चर है, ए टू जेड आपको डॉट्स ड्राइंग करने हैं, ओके। सो दिस इज पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, ओके। नाउ वी गो टू पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, बुक नंबर 6, पेज नंबर 13, ओके। यस, दिस इज एन अनदर एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ो, कलर द ट्राइंगल। ये क्या है, अलग अलग ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, 2, 3, 4, 5, 6 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल है विद द लेटर दैट मैचेस विद द पिक्चर, ओके। हमको हमको मैच करने हैं, जो भी पिक्चर दिया गया है उसको उस लेटर से मैच करने हैं, ओके, मैच करने हैं। फर्स्ट पिक्चर क्या है, जिप, फर्स्ट पिक्चर क्या है, जिप, फर्स्ट पिक्चर क्या है, जिप, ओके। यस, सो विच अल्फाबेट आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा बच्चों, जेड आएगा कि ए आएगा, विच अल्फाबेट विल कम, कम टेल मी, विच अल्फाबेट विल कम, जेड फॉर जिप और ए फॉर जिप, बताइए, जेड फॉर जिप। तो आपको ट्राइंगल को कलर करने हैं, ऐसे आपको कलर करना है, ओके। मैंने पेंसिल से किया, आप कलर पेंसिल से करो, ओके। मैंने पेंसिल से किया है, आप कलर पेंसिल से करो, जेड फॉर जिप, जेड फॉर जिप। जो पिक्चर का अल्फाबेट है उसी को कलर करना है, दूसरे अल्फाबेट को नहीं करना है। कलर द ट्राइंगल विद द लेटर दैट मैचेस विद द पिक्चर, जो पिक्चर के साथ मैच करता है उसी ट्राइंगल को मैच कलर करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, वॉच, ये क्या है, वॉच है, तो कौन से अल्फाबेट को आप कौन से ट्राइंगल को आप कलर करोगे, एच है और डब्ल्यू है, कौन से ट्राइंगल को आप मैच करोगे बताइए, W for watch, W for watch। तो हम यहाँ पे W को कलर करते हैं, W for पिक्चर है, कौन सा पिक्चर है, ये बॉक्स का पिक्चर है। तो X कहाँ पे आ रहा है, एंडिंग साउंड में, एंडिंग साउंड में, जो लास्ट का वर्ड है उसका वर्ड क्या है, बॉक्स, अक्स, बॉक्स, अक्स, ओके, X है, X, बॉक्स, X, तो लास्ट में क्या है, X है, तो कौन सा पिक्चर, कौन सा अल्फाबेट में आएगा, L में आएगा या X में आएगा, कौन सा अल्फाबेट का होगा हमको कलर करना है, X फॉर बॉक्स, X फॉर बॉक्स। तो हम कलर करते हैं, X for box, X for box। Next is
यो-यो, नेक्स्ट इज यो-यो, कौन सा पिक्चर दिया गया है आपको, यो-यो का, कौन सा पिक्चर दिया है, यो-यो, तो कौन सा अल्फाबेट आएगा, वाई फॉर यो-यो, टी तो नहीं आता है, टी फॉर ट्री आता है, टी फॉर टॉप आता है, राइट, टी फॉर ट्रक आता है, तो टी से तो आता नहीं है, तो वाई, वाई फॉर यो-यो, तो हम अभी वाई कलर करेंगे, ओके, ठीक है बच्चों, अच्छे से करना है, नीटली करना है, पेज को गंदा नहीं करना, ओके, नेक्स्ट हॉर्स क्या दिया है, नेक्स्ट पिक्चर क्या है, हॉर्स, तो कौन से अल्फाबेट को आप सर्कल का कलर करोगे, ट्रायंगल को, एच फॉर हॉर्स या एस फॉर हॉर्स, बताइए, एच फॉर हॉर्स, वेरी गुड, तो हम एच को सर्कल करेंगे, एच को कलर करेंगे, ठीक है, अभी लास्ट पिक्चर कौन सा है, मैंगो, लास्ट पिक्चर कौन सा है, मैंगो, तो कौन सा अल्फाबेट का हम सब कलर करेंगे, एम फॉर मैंगो है या ए फॉर मैंगो है, बताइए, एम फॉर मैंगो, वेरी गुड, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, तो हमने ये हमारा एक्टिविटी पूरा कर दिया है, आप इसको भी सर्कल कर सकते हो, इसको भी कलर हम बाद में करेंगे, ओके, हम स्नेल को बाद में करेंगे कलर, तो नेक्स्ट पिक्चर इज, नेक्स्ट एक्टिविटीज पेज नंबर 14, आप 14 लीजिए, पेज नंबर 14, बुक नंबर 6, पेज नंबर 14, चलो आज हम इसको भी करेंगे, ओके, कलर, इसको क्या करना है, जॉइन द लेटर to its correct object, ओके, अभी यहाँ पे ऊपर लेटर दिए हैं और नीचे पिक्चर, जो लेटर का करेक्ट पिक्चर है उसी को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो हम दूसरा कलर लेंगे, चलो रेड कलर ले लिया हमने, रेड कलर ले लिया, अभी हम ज्वाइन करते हैं, आप अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा हम लेटर को ज्वाइन करेंगे, कौन सा पिक्चर को, डी फॉर, फर्स्ट लेटर क्या है, डी, डी जेड एच ओ टी एल ए एन डब्ल्यू, ओके, चलो करते हैं एक्टिविटी, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, राइट, यस, अभी डी फॉर क्या आता है बच्चों, क्या है, डी फॉर डॉग, कैट, डॉग है और कैट है, तो कौन सा पिक्चर को आप मैच करोगे, डी से, बताइए कौन से पिक्चर को आप मैच करोगे, डी से, डी फॉर डॉग, तो हम मैच करते हैं, ठीक है, डी फॉर डॉग, डी फॉर कैट आता है क्या, नहीं आता है, तो हम लाइन को डॉट नहीं डालेंगे, ओके, नहीं करना है, जो जिसका पिक्चर नहीं है उसको जॉइन नहीं करना है, ठीक है, तो हमने डी फॉर डॉग है तो डी फॉर डॉग मैच कर दिया, अभी नेक्स्ट है जेड, कौन सा आता है पिक्चर, जिप आता है या कैटल आता है, क्या आता है बताइए, Z for zip आता है या Z for kettle आता है, बताइए क्या आता है, Z for zip, Z for zip, क्या आता है, Z for zip, तो हम मैच करते हैं,
Z for zip. Next, H. H for क्या आता है? H for hat या H for egg. Nest भी है, nest है. H for hat या H for nest. क्या आता है बच्चों बताइए? H for nest या H for hat. बताइए. H for hat. तो हम H को join करेंगे. एच को हम ज्वाइन करेंगे, राइट? ऐसे. नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट ओ. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ओ. ओ फॉर, ठीक है, ऑरेंज, इग्लू. ऑरेंज है और इग्लू है. आप कौन से अल्फ़ाबेट को ज्वाइन करोगे बताइए? कौन से पिक्चर को आप ज्वाइन करना चाहते हो? ओ फॉर ऑरेंज आता है या ओ फॉर इग्लू आता है? बताइए क्या आता है? O for orange. तो हम O for orange करेंगे. Next, T है. Next letter is T. T for tiger या ring. Okay, this is ring. ये रिंग है और ये टाइगर है. तो कौन से पिक्चर को आप मैच करोगे बताइए? टी का कौन सा पिक्चर आता है? टी फॉर टाइगर. ओके, नेक्स्ट एल. ये कौन सा अल्फाबेट है? एल है. ये लीफ है, ये फिग है. बताइए कौन सा पिक्चर को आप ज्वाइन करोगे? फिग से आप करोगे या एल से मैच करोगे? बताइए, लीफ से मैच करोगे आप एल को? बताइए, फिग आता है या लीफ आता है एल से? लीफ. एल फॉर लीफ. L for leaf. Next activity है A or W. A for ant आता है या A for pan आता है? बताइए. A for ant आता है या A for pan आता है बताइए. A for ant. तो हम A for ant match करेंगे. ओके, नेक्स्ट W. नेक्स्ट इज W. W फॉर ये क्या है? जैम. और W फॉर वेल. W फॉर जैम आता है या W फॉर वेल आता है? बताइए क्या आता है बच्चों? W फॉर जैम आता है या W फॉर वेल आता है? W फॉर वेल. तो हम वेल को ज्वाइन करेंगे. राइट, ये हमारा एक्टिविटी पूरा हो गया. थर्ड एक्टिविटी भी हमारा पूरा हो गया. ओके, तो आइए हम फर्स्ट वाला एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं विद कलर पेंसिल. ओके, हम इसको कलर पेंसिल से एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं. ओके, ठीक है. ये ब्राउन कलर ले लिया है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. ठीक है, आपको दिख रहा है बच्चों? S, T, U, V, W, X, Y, Z. तो ये हमारा स्नेल हो गया. मैंने कवर कर दिया है. हम इसको भी अभी कलर करेंगे. ओके, ठीक है. ये हमारा ब्रांच हो गया, तो इसको तो ग्राउंड करना है.
ब्राउन कर लिया मैंने, अब इसको भी ब्राउन करेंगे। ग्रीन ले लिया मैंने, ओके। लीफ को हम कलर करेंगे ग्रीन, ग्रीन को लीफ, लीफ को हम ग्रीन कलर करेंगे। हमने लीफ को कलर कर दिया, अभी आपको स्नेल को भी करना है। तो आप होमवर्क के लिए स्नेल को अच्छे से कलर करिए, ओके। हाँ, आप होमवर्क के लिए स्नेल को कलर करिए। तो आप आज को आपको होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है पेज नंबर 12, 13, 14 एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है और आपको फोटोकॉपी मुझे भेजना है, ओके। बुक नंबर सिक्स, तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ओके। आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है, उसको अच्छे से कलर कीजिए और इसको इसका फोटोकॉपी मुझे भेजिए। आपको स्नेल को भी कलर करना है, ठीक है, ओके। पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 को अच्छे से कीजिए, नीटली कलर कीजिए, और पेज नंबर 14 भी आपको कलर करना है। तो कुछ भी नहीं, खाली जॉइन डॉट्स को जॉइन करना है बस, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है बच्चों। सो आई लव यू मिस सिंह, थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आई विल कम बैक टू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू एक्टिविटी, ओके। और दो एक्टिविटी बचे हैं बुक में नंबर 6 में, तो हम उसको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे। Till then, take care, stay home, stay safe. Bye.